मंच पर उपस्थित सज्जनों और संस्था के संस्थापक धीरूभाई गगड़िया साहब, कार्यरत समस्त जो कार्यकर्ता भाई और बहन, शिक्षण में समाज कल्याण केंद्र को मैं आज तक भूल नहीं पाता। देखो, मैं तो रहने वाला उड़ीसा का हूँ, काम कर रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन जब मुझे एक मौका मिला आज एनुअल मीट में शामिल होने के लिए, तो मैं दिल्ली से आया। तो संस्था को हम भूल नहीं पाते, क्यों भूलना नहीं चाहिए? क्यों? कुछ ना कुछ हमको यहाँ मिला है। यहाँ से जो रिसोर्स हमने पाया है और उसको आगे इसको हमने यूटिलाइज किया, तो आगे बढ़ा है। तो जहाँ से हमने कुछ सीखा है, जिसके बदौलत आज हम आगे हैं, तो उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। 1980 में संस्था का प्रारंभ हुई, शिक्षण में समाज का मुझे कुछ पता ही नहीं था, कहाँ अमरेली है, कहाँ शिक्षण में समाज कल्याण केंद्र है, लेकिन मैं आया। कब? संस्था शुरू होने के 21 साल बाद 2001 अप्रैल में मैंने आया। जैसे कल धीरूभाई बताए थे कि गैप नाम का एक संस्था है अहमदाबाद, गुजरात एड्स प्रिवेंशन यूनिट, वहाँ मैं कुछ समय के लिए एक महीने के लिए काम किया था। तो उस दौरान मैं आया धारी में, धारी में सरदार युवक मंडल सरदार युवक मंडल में कुछ दिन काम किया था। तो जब मैं गैप में काम कर रहा था, तब यहाँ से ममता गोस्वामी गए थे, वहाँ हम ट्रेनिंग में एक साथ तालीम लिए थे, थोड़ा परिचय हुआ था। फिर उसके बाद मैंने जब अमरेली आया, धारी में काम किया, तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ध्रुवेक खुद आए, ममता बहन आए। उसके पहले राजपुर में कुछ मीटिंग हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मार्च महीने में, मार्च 2001, वहाँ सुरेश भाई मुझे मिले थे, क्योंकि रमेश भाई वंशिक जो है सरदार युवक मंडल थे, वो मुझे लेकर गए थे। तो वहाँ शिक्षण में समाज कल्याण केंद्र से भी सुरेश भाई गए, तो वहाँ हमने मिले। तो सुरेश भाई का मेरा परिचय हुआ था, उन्होंने देखा कि हमको एक इंग्लिश जानने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए, जब संस्था के लिए बहुत उपयोगी हो। तो उन्होंने कुछ मेरे साथ मैंने मुझे देखा कि ये तो अच्छा इंग्लिश है, इनको हम ले तो अच्छा रहेगा, तो मेरा नसीब है। देखो, तब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, तो नितिन भाई सर को मैं आभार मानता हूँ। वो क्या बोले, कर्मचारी नहीं, हम सब कार्यकर्ता है। तो मैं एक अच्छा संस्था का मतलब मैं ढूंढ रहा था, कहाँ मुझे एक अच्छा जगह मिले मैं काम करूँ। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश में काम किया था, उड़ीसा में काम किया था, जो भी कुछ वहाँ सीखा था उसको एक्सरसाइज करके उसको काम में लगाने में मुझे मौका नहीं मिला था, जो यहाँ मुझे। तो मेरे नसीब से उस समय एक प्रोजेक्ट आया शिक्षण समाज कल्याण केंद्र में, वो प्रोजेक्ट था पार्टनरशिप और सेक्सुअल प्रोजेक्ट, PSH प्रोजेक्ट। उसमें सर ने मुझे प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया था, जबकि मेरा क्वालिफिकेशन नहीं था। कल सर बता रहे थे उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था, लेकिन मेरा था पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया था, PG डिग्री मेरे पास नहीं था, लेकिन सर ने मुझे एक मौका दिया। ऐसे कहते हैं कि मौका कभी कभी मिलता है जिंदगी में, मौका को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मौका को हासिल करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जो मौका मुझे यहाँ मिला, मैं बताऊंगा आगे आगे मैं कैसे इसी प्रोजेक्ट के तहत मैं आगे बढ़ा। PSH प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप फॉर सेक्सुअल हेल्थ प्रोजेक्ट, जो HIV/AIDS से कार्यक्रम के साथ जुड़ा है। HIV क्या है, AIDS क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तब सीख रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था गुजराती भाषा, और मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, मुझे गुजराती आता नहीं। और मेरा जो टारगेट ग्रुप है लाठी और अमरेली में काम करने वाले डायमंड वर्कर्स हैं, उनके साथ मैं कैसे बात करूँ, उनको कैसे समझाऊँ, वो स्टेक होल्डर्स को कैसे
मैं उनका कैसे विश्वास संपादन करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भाई सुरेश भाई जो बहुत समझाए, कोई दिक्कत नहीं आई, सब आप बात करो, मिलो सब मैनेजर से, मिलो सुपरवाइजर से, मिलो वर्कर से भी मिलो, तो धीरे धीरे आपको गुजराती भी आ जाएगी। तो मैंने टूटा फूटा गुजराती से काम शुरू किया, हिंदी में ही बात करता था, लेकिन लोग जो कम्युनिटी को मैं मिलता था वो लोग मुझे देखते थे ये शायद क्यों आते हैं, वो हिंदी वाला है, आता है मिलता है क्या उसका उद्देश्य, हमारे तो यहाँ कोई एड्स वाला है नहीं, ये लोग आके क्यों ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमको एड्स से ढूंढना नहीं है, इसको एड्स वाला उसको ढूंढना नहीं है, लोगों को एड्स कैसे नहीं होगा उसका प्रिवेंशन के लिए हमको काम करना है। क्योंकि जो हमारा जो टारगेट ग्रुप है, जो हमारा लक्ष्य जो है डायमंड वर्कर्स, वो वल्नरेबल है, उनको एचआईवी संक्रमण होने का संभावना है, तो उनको बचाना है। तो इसी उद्देश्य से हमने काम शुरू किया। तो देखो वहाँ यहाँ मैंने दो साल काम किया, दो साल तीन महीना, अप्रैल 2002 से 2003 नहीं 2001 अप्रैल से 2003 जुलाई तक मैंने काम किया, तो दो साल तीन महीना। लेकिन वो मेरे करियर के लिए, मेरे करियर डेवलपमेंट के लिए कितना मैंने अच्छा साबित हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ जो मैंने दो साल काम किया, हमारे काम के आधार पर जब हमारा एनुअल इवेल्युएशन हुआ, इवेल्युएटर थे केरला से सतीश चंद्र, उन्होंने हमारा टारगेट एरिया का विजिट किया, टारगेट कम्युनिटी से मिला, कम्युनिटी से मिलकर बात की, मैनेजर से बात की, जो हमारा कंडोम डेपो खुला हुआ था पान की गली में और टी स्टॉल में, उनको मिला, जबरदस्त हमारा रेपो है, मैंने विश्वास संपादन हमारा इतना अच्छा हुआ है, उन्होंने देख कर बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया कि संस्था बहुत अच्छा, मतलब बहुत इंदर तक इन्होंने काम किया है कम्युनिटी के साथ, इतना अच्छा इनका विश्वास, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही उसी के आधार पर आगे जब मैं गया तो गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट है वहाँ मुझे ले लिया। तो मैंने इसका इसी अनुभव मैंने अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट में काम किया, एक साल काम किया ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया और एक साल, फिर जब प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, जब फेज थ्री आया 2007 से 2012, 2006 था प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट का लास्ट, तो उसके बाद एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट में आया, तब मेरा कोई पोस्ट ही नहीं था, लेकिन गुजरात से मेरे काम से उनको अच्छा लगा होगा, जो हमारा जॉइंट डायरेक्टर थे, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, कि नायक का तो कोई पोस्ट ही नहीं, उसका कैसे करेंगे, नायक जी को तो छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे लिए एक नया पोस्ट क्रिएट किए, तब हेल्थ कमिश्नर थे डॉक्टर अमरजीत सिंह, उनको उन्होंने ग्रामीण किया कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट हम क्रिएट करेंगे जिसमें नायक जी को रखेंगे, तो उन्होंने तीन साल का मौका। अब देखिए मैं इसीलिए शिक्षण एवं समाज कल्याण क्षेत्र को भूल नहीं पाता हूँ कि यहाँ जो मैं पीएसएच प्रोजेक्ट में पीओ रहा, उसी के आधार पर मैं आगे पीएसयू में गया, फिर गुजरात सेक्स में काम किया, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला राजस्थान में। राजस्थान में जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंदर में, तब उसको टीएसयू को मैनेज कर रहा था यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो मेरा जो इतने साल का अनुभव हो गया एचआईवी एड्स के फील्ड में, तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मौका मिला। तो आप देखिए शिक्षण एवं समाज कल्याण केंद्र से जो मेरे लिए जो द्वार खुला, जो दरवाजा खुला, मैंने एक साल यूएनएफपीए में पहुंचा, वहाँ भी मैंने दो साल काम किया, दो ढाई साल काम किया यूएनएफपीए में भी अच्छा काम के कारण। उस समय जब डीएसयू का बंद हुआ, मतलब यूएनएफपीए विथड्रॉ कर लिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस डीएसयू को नया स्ट्रक्चर को लिया, तब मैंने यूएनएफपीए में और एक साल काम किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, कोटा डिवीजन में डिविजनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मैनेजर का। तो इस तरह से आप देखिए जो करियर को आप आगे बढ़ाना है तो आपका लगन
जरूरत है, जो संस्था से आप आगे गए हैं उस संस्था आपका जो बेस है वो बेस क्रिएट किया है। इसलिए शिक्षण एवं समाज कल्याण केंद्र को मैं हरदम याद रखता हूँ, क्योंकि उसके कारण आज मैं आगे गया हूँ। और यूएन एजेंसी में जब कोई स्टाफ का सिलेक्शन होता है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखे, अगर कोई यूएन में काम किया है उसको 10 अंक मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर जो चाहिए अगर वो है उसके लिए 10 अंक मिलता है, ठीक है। तीसरा है उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है उसमें 10 अंक मिलता है, 30 अंक ऐसे हो गया। आउट ऑफ 70 आपको 56 अंक अगर आप पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट जो 30 है वो आपका फाइनेंशियल बिट से सिलेक्शन होता है, जो लोएस्ट बिट करता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप देखिए मेरा 10 अंक है तो मैंने यूएनएफपी में काम किया तो 10 अंक मिला, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए 10 अंक मिला, मेरा एम ए सोशल साइंस है उसके लिए मुझे 10 अंक मिला, 30 अंक तो ऐसे ही मुझे मिला। बाकी मेरा रहा इंटरव्यू 20 अंक में से तो मैंने जो लिया उसी हिसाब से मेरा यूनिसेफ में भी सिलेक्शन गुजरात में से। लेकिन पीछे को देखना चाहिए, आगे तो है, मेरा जो करियर शुरू कहाँ से, शिक्षण में समाज कल्याण केंद्र से। आज मैं यूनिसेफ तक पहुंचा तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन किसका है, शिक्षण में समाज कल्याण केंद्र का। तो इसलिए मैं भूल नहीं पाता, मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरा खुद का जो लाइफ है कि करियर डेवलपमेंट के लिए आपको मेहनत तो करना है और जो मौका मिला है उसको ठीक से उपयोग करना है। उसके पहले 4 साल मैंने जो काम करके आया था उसमें जो कुछ थ्योरी मैंने सीखा था, यूआई साहब ने मुझे अच्छा मौका दिया उसको यहाँ एक्सरसाइज करने का, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिसर्च का काम, सोशल रिसर्च, ये काम जो मैंने सीख के आया था उसको मैंने कहीं उपयोग नहीं किया था। लेकिन उस समय एक अपॉर्चुनिटी वाला सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने वाला था तो शिक्षण एवं समाज कल्याण केंद्र को एक संशोधन का काम दिया, वो था सोशल असेसमेंट स्टडी। तो जफराबाद ब्लॉक में हमने ये रिसर्च किया था, ये काम इसमें सुरेश भाई थे और हमारा टेक्निकल एडवाइजर थे उनके निगरानी में और उनके मार्गदर्शन में हमने रिसर्च काम भी अच्छा किया। और जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस है गांधीनगर में हमारा जो रिपोर्ट का भी बहुत सराहना हुआ, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अमरेली में अच्छा जो संशोधन का काम हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो मौका आया उसको हमने उसको ठीक रूप से उपयोग किया, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षण जो है यहाँ हमने सीखा है, शिक्षण यानी समाज कल्याण के अंदर। तो मैं यहाँ जब आया हूँ मैं कर्मचारी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, यहाँ बहुत कुछ सीखा और जो यहाँ से सीखा उसको मैंने काम में लगाया। अभी और एक कोशिश किए थे कि नायजी का तो अच्छा इंग्लिश है तो कुछ हम अच्छा जो हमारे पास FCR है इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे, कुछ फॉरेन फंडिंग का कोशिश करेंगे, हमने कोशिश किया। लेकिन हम आप इसको फेल्यूर कहें या एक्सपीरियंस कहें हम तो फेल्यूर नहीं मानेंगे, लेकिन हमने उसको बहुत मेहनत से कई जगह पर हमने प्रपोजल सबमिट किया लेकिन कोई प्रपोजल सेंक्शन नहीं, उसका कारण और कुछ है तो हमको पता नहीं था, अभी मैं उसका जानता हूँ कारण क्या है, क्यों हम तो हमें इतना मेहनत कर रहे थे एक एक प्रपोजल बना के दे रहे थे लेकिन हमको कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हो रहा था। इंडो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी फोर्ड फाउंडेशन एक्शन एड सब जगह में हम लोग दे रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि उनका भी कुछ प्रायोरिटी एरिया होता है, जो फंडिंग एजेंसी है उनका प्रायोरिटी एरिया होता है, ऐसे तय होता है कि सब जगह में वो लोग उनको काम नहीं करना है, काम की जरूरत कहाँ है उसी हिसाब से वो लोग प्रोजेक्ट सेंस। अगर हम गुजरात में देखें हम अमरेली के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका प्रायोरिटी एरिया है तो नर्मदा खेड़ ब्रह्मा और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट पंचमहाल, तो जहाँ जहाँ अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट या जो ब्लॉक बेलपोर्ट कैटेगरी में आता है जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कम है
मतलब जहाँ सबका जो इंडिकेटर्स बहुत लो है वहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है, तो लोग वहाँ प्रायोरिटी देते हैं। तो शायद हमारा जगह प्रायोरिटी में नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोशिश करने से क्या फायदा, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है उसको तो हमने यूटिलाइज किया, प्रपोजल बनाया। प्रपोजल बनाने में भी कितना समय लगता है, क्या क्या डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, लॉग फाइल में उसको रख के प्रपोजल बना के देना पड़ता है, ये सब हमने यहाँ सीखा। सर ने गाइड किया और तलबे सर भी गाइड करते थे, हमने प्रपोजल बनाना यहाँ से सीखा। तो ये इतना सारे अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिला है, इसीलिए जुड़ाव है संस्था के साथ, जो लगाव है उसके कारण ही हमें संस्था के पास बार बार शायद पिछला एनुअल मीट में कब आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सालों के फिर मुझे एक मौका मिला आया आप लोगों से मिला। तो मैं यही मतलब आज बहुत खुशी की बात है कि आज एक एनुअल मीट एक साथ हुए हैं और हमारा आपका जो अनुभव है और हमारा जो अनुभव है आपस में हम शेयरिंग करते हैं, पर ये हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा, कोई किसी से सीखें और कोई आगे बढ़े और भी कोई किसी की मदद करे, ये हमारा ये होना चाहिए। तो संस्था को मैं बार बार सर को बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने मेरा करियर बिल्ड करने में बहुत मदद की है। थैंक यू। ખૂબ આનંદ થાય છે કે નાના પ્રયાસ માંથી આટલું બધું મોટું વટવૃક્ષ બન્યું, અને એમ આજે અસંખ્ય કાર્યકરો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ સારી રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ જોઈને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે। એની પાછળ જો કે ધીરુભાઈનો એમના પરિવારનો ખૂબ જ અથાક પરિશ્રમ છે, અને ધીરુભાઈના માર્ગદર્શન નીચે જે જે કાર્યકરો તૈયાર થાય છે એમાંથી આપણે અમુકના પ્રતિભાવ સાંભળ્યા, એટલે એનું જે પ્રેરક બળ છે એ આપ સૌ છો, અને આપ એની પાસેથી ખૂબ સરસ બધી વસ્તુ શીખી શકો એમ છો, અને નાયક સાહેબની જે જર્ની સાંભળી એટલે કેટલી બધી પ્રગતિ માણસ જો ધારે તો કરી શકો છો। અહીંયા પૈસા કરતાં જે તમે શીખી રહ્યા છો એ તમારા જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે, અને સંસ્થાનું જે કાર્ય અત્યારે ખેતીવાડી ક્ષેત્રે બાળકો માટે, હેલ્થ માટે, મહિલાઓના કલ્યાણ માટે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ જે કંઈ ચાલી રહી છે એની સફળતા માટેના યશ ભાગી આપ સૌ છો, અને આપ સૌની મહેનત અને લગનથી આ સંસ્થા જે ખૂબ ફૂલી ફાલી રહી છે એનો ખૂબ આનંદ છે, અને એના માટે અમારા હૃદયથી આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને આપ આપના જીવનમાં આ સંસ્થા થકી ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી શુભેચ્છા। અસ્તુ। હું પણ જ્યારે નવી નવી આ સંસ્થામાં આવી ત્યારે એક જ્યારે સંસ્થામાં એન્ટર થયા અને સોલંકી સાહેબ ને સાથે હતા મોલજીભાઈ ને સુરેશભાઈ, ત્યારે હું તો એક વિદ્યાર્થી છે એવી એ તરીકે જ આવી હતી, પણ ત્યારે આપ મને સાહેબ સાહેબ આમાંથી કોણ છે એ ખબર નહોતી, સંસ્થા સંચાલક કોણ છે એ ખબર નહોતી, અને એક યુવતીઓનો કાર્યક્રમ હતો, હું એક કોમ્યુનિટી મોબિલાઇઝર તરીકે સંસ્થામાં તાલીમાર્થી તરીકે આવી હતી, પણ સાહેબે અમને સ્ટેજ ઉપર બેસાડી દીધા, સ્ટેજ ઉપર બેસાડી દીધા ત્યારે એટલું એક આપણા મનમાં આયો થઈ ગયું કે નહીં, એક આપણે આપણા ખુદમાં વિશ્વાસ કરવાની જે વસ્તુ છે ને એ આ સંસ્થામાંથી શીખવા મળ્યું છે। સોલંકી સાહેબના આજ એક હું કહેવાય વિટનેસ છે કે હું મારી પેન જોતી હોય તો પણ બોલતી નહીં કે આ પેન મારી છે, અમે સાથે નોકરી કરતા હતા, પણ જ્યારે જ્યારે સંસ્થાના કોન્ટેક્ટમાં આવી ને કેટલી ટ્રેનિંગો ને મીટિંગો ને એક્સપોઝર
મળ્યું કે જેના લીધે હવે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોય ગમે ત્યાં હોય આપણે બે ધડક શાંતિથી સમજાઈ જાય લોકોને એવા જવાબો આપી શકીએ જેનાથી સંઘર્ષ પણ ના થાય અને લોકોને ગળે વાત પણ ઉતરી જાય એ રેપો ખેડૂતોની વચ્ચે હોય કે કોઈ અરજદારોની વચ્ચે હોય કે અધિકારી કર્મચારી કોઈ કર્મચારી કોઈ પણ સમૂહ હોય એની સાથે અહીંયા કામ કરેલા લોકો મને વિશ્વાસ છે કે જેમ બધાએ પોતાની વાત કરી કે પોતાના ફિલ્ડમાં રેપો બીટ કરી શકશે કેમ કે આના માટે આ સંસ્થા એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે કે તમારા માણસને જેટલું વિસ્તૃત બનાવી દે છે કે જેમાં બધા માટે સ્વીકૃતિ હોય છે કહીએ ને કે એક આપણું માઇન્ડ એક પ્રયોગશાળા પણ બની જશે અને આપણે ખુદ એક સંશોધન કરતા બની જશું અને નવું નવું કંઈક આપણી અલગ છાપ ઊભી કરી શકશું એવું મને લાગે છે થેન્ક યુ ગઝલ લખી છે તો હું રજૂ કરીશ તો ધ્યાનથી સાંભળજો રમવું એ જ તો આનંદ છે કોઈ બાળક જીતવા રમતું નથી રમવું એ જ તો આનંદ છે કોઈ બાળક જીતવા રમતું નથી સાંભળે છે શાંતને સૌ ધ્યાનથી આ જગત જે જીત સાંભળતું નથી માણસોની વાત થોડી છે અલગ કે માણસોની વાત થોડી છે અલગ કોઈ પંખી ઈંટને ચણતું નથી ઝૂઠ સામે સત્ય બદલતું નથી જે કહો તે સ્પષ્ટ કહો બીજું સમજાતું નથી ગણાજે અમાર કલ્યાણની 43 વર્ષની યાત્રા અને આજનું જય મિલન એમાં ઉપસ્થિત બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના તમામ સદસ્ય મિત્રોને મળી લો આ સંસ્થામાં 42 વર્ષ દરમિયાન તો નહીં પણ છેલ્લા 20 વર્ષ દરમિયાન કાર્ય કરી ગયા હોય એવા પણ કર્મચારી મિત્રો ડાયરેક્ટર મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત છે ઉપરાંત બાળકો શિક્ષિકા બહેનો અત્યારે કર્મચારી કાર્યકરો જે કામ કરે છે એ તમામ બહારથી પધારેલા મહેમાનો આ સર્વે પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવી ઉપસ્થિત રહી અને બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર સહિત તમામ કર્મચારી કાર્યકર મિત્રોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે એ બદલ હું સંસ્થાથી આભાર વ્યક્ત કરું છું ધન્યવાદ